कसम से हम आएंगे, शादी का जोड़ा हम लाएंगे, दुल्हन हम ले जाएंगे। तेरे बिन जिए नहीं जाए मेरे राजा, दिल बेचैन है डोली लेके आ जा, आ जा मेरी लेके आ जा, मेरी बिंदिया तू चमका जा, मुझको कंगन तू पहना जा। ओ कसम से कसम से हम आएंगे, शादी का जोड़ा हम लाएंगे, दुल्हन हम ले जाएंगे। तेरे प्यार का मेरे प्यार का इम्तिहान है ओ जानम, तेरी ही अंगना जाएंगे साजना ये ऐलान है ओ जानम। तेरे प्यार का मेरे प्यार का इम्तिहान है ओ जानम, तेरी ही अंगना जाएंगे साजना ये ऐलान है ओ जानम। ओ ऐलान कर दो हम आएंगे, चांदनी चुरा के घर लाएंगे, दुल्हन हम ले पर ही हम आएंगे, शादी का जोड़ा हम लाएंगे, दुल्हन हम ले जाएंगे, दुल्हन हम ले जाएंगे, दुल्हन हम ले जाएंगे। मैडम आपका चाय। क्या सोचता मैडम? कुछ नहीं। कुछ तो जरूर होएगा मैडम, हम देखता बहुत टाइम से तुम सोचता सोचता और सोचता। पता नहीं कुछ दिनों से एक एहसास सा हो रहा है, भगवान ने एक बेटा तो दिया जो सिर्फ नाम का नहीं दिल का भी राजा है। काश एक बेटी और दे देता तो इस घर का सोनापन उसकी चूड़ियों की खनकन से ही दूर हो जाता। माँ के लिए एक बेटी का होना बहुत जरूरी है। बेटी का होना बहुत जरूरी है, 20 साल पहले मैंने यही कहा था तो तुमने कहा था हटो जी राजा भी छोटा है। उस वक्त मेरी बात मान ली होती तो आज राजा के 4-5 भाई बहन घर में घूम रहे होते। मैं तो कह रही थी अपने बेटे राजा की अब शादी किए देते हैं, भली भलाई जवान बहू बेटी बनकर घर में आ जाएगी। तुम तो बेटी घर में ले आओगी लेकिन अगर वो बहू बनकर आ गई तो घर का कबाड़ा, भगवान नहीं करे। सर कैसा बहू आपको मांगता वैसी एक लड़की को हम जानता। कौन है वो? सपना नाम है उसका, वेरी लवली गर्ल। तुम्हारा इधर काम करने से पहले हम उधर काम करता होता। तुम्हारा लाइफ में बेटी का कम थी, उसका लाइफ में माँ बाप का कम थी। हाँ? माँ बाप नहीं उसके? तो फिर पाला किसने उसको? उसका अंकल लोग ने, भोलानाथ विक्की नाथ और प्रभुनाथ ने। मन मेरे ओ, मन मेरे क्यों तू चिंता करे, कृष्ण को करना है सो।
मॉर्निंग मीराबाई बना के बिठा देता है। आई फील सॉरी फॉर द चाइल्ड। बस मामा जी 2 किलोमीटर हो गए। 2 किलोमीटर और है। पर मामा जी मैं थक गई हूँ, प्लीज। इतनी जल्दी? आप मर्द हैं, मैं लड़की हूँ, मैं 4 किलोमीटर कैसे चल सकती हूँ? बेटी, वो अपनी पीटी उषा नहीं थी? वो तो मेरे से भी ज्यादा तेज दौड़ती थी। देख, आज के जमाने में लड़की को चुस्त फुर्तीला और जिस्म से मजबूत होना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर किसी का भी मुकाबला कर सके। जिस्म ठीक है तो सब ठीक। तू जरा सुस्ता ले, मैं अभी आता हूँ। तेरी ओए लड़की को लुक छुप के देखता है नीचे, इसीलिए इस उम्र में चश्मा लग गया। चल चल चुचुंदर, बैठ, लेट जा। चक किसको? हाँ, 400। अरे मिस्टर पहलवान जी, इसको काय को मारता तुम? देखो जी, जो भी मेरी पांजी की तरफ अखान निकाल के देखेगा ना, मैं उसकी आंखें कट के जेब में डाल दूंगा। सिर्फ बॉडी बनाना जानता है तुम, इतना भी नहीं मालूम कि घर में जवान बेटी होगा तो घूरने वालों की नजर कैसे स्टॉप करेगा तुम? घूरने वाले जहाँ मर्जी घूरे, पर पोड़ा पहलवान की पांजी को नहीं। शुरू रखो, आओ बेटी, 2 किलोमीटर और पूरे। जाएगा कि बाहर से घूमने फिरने भी ले जाएगा। अरे इसको किसी यंग मैन के साथ नाचने का मौका देना मैन। ओह माय गॉड, दैट वाज ब्यूटीफुल। थैंक्स सपना डार्लिंग। मेरा तो बस नहीं चलता, वरना मैं तो अपने ब्रदर पीएनपी पंडित और पहलवान का साया भी तुम पर पड़ने ना दूं। यू नो व्हाई? गिव मी। बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू मी लाइफ इज डांसिंग एंड फैशन डिजाइन। यस। ओ खान साहब, रोटी तैयार है? जी हुजूर, तैयार है। हाँ, लियाओ लियाओ। जय बजरंग। अरे राम राम राम, जब से होश संभाला है ये मुर्गे और बकरों की लाशें ही देख रहा हूँ मैं। पंडित जी, खाना लाइए। जी जजमान। घास फूस खाते हैं गधे और गोश्त खाता है शेर। मैं तो कहता हूँ तू भी नॉन वेज शुरू कर दे। तेरा शाकाहारी भोजन खाने से दिल, दिमाग और आत्मा तीनों शांत रहते हैं। माय डियर ब्रदर्स पीएनपी, सॉरी पंडित एंड पहलवान, गुड आफ्टरनून। जॉन, मेरा कॉन्टिनेंटल फूड, यू नो कॉन्टिनेंटल फूड, नो ऑयल, नो मसाला, नो कैलोरीज। थैंक यू डार्लिंग। तुम तीनों को अपना अपना खाने का फिक्र है। किसी ने पूछा कि सपना बेबी ने खाना खाया कि नहीं? सपना डार्लिंग ने खाना नहीं खाया? अभी तक खाना नहीं खाया सपना बेटी ने? सपना ने खाना नहीं खाया तो निवाला कैसे उतरेगा? अरे मेरे को काय को पूछता मैन, बेबी से जाके पूछो ना। सपना डार्लिंग, मैंने खा लिया, सपना डटी डटी डटी। क्या हुआ सपना बेटी, खाना क्यों नहीं खा रही? सपना डार्लिंग, क्या हुआ? क्या खाऊं? वेज नहीं खाऊंगी तो आपको बुरा लगेगा, नॉन वेज नहीं खाऊंगी तो आपको बुरा लगेगा, और कॉन्टिनेंटल नहीं खाऊंगी तो आपको बुरा लगेगा। आखिर मैं तीनों के पसंद का खाना कैसे खाऊंगी? पर बेटी, तू नहीं जानती तेरी सेहत के लिए कौन सी चीज अच्छी है। देसी की हो, तेरी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। हमें तेरे स्वास्थ्य की चिंता है। और स्वास्थ्य के लिए कॉन्टिनेंटल फूड जो है सबसे बेस्ट होता है। नो कैलोरीज, नो मसाला एंड नो ऑयल प्लीज। मुझे अपने हेल्थ के लिए नहीं, अपनी मर्जी का खाना है। मैं अपनी मर्जी से खा नहीं सकती, अपनी मर्जी से घूम नहीं सकती, उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती। आखिर मेरी भी कोई मर्जी है या नहीं? यस डार्लिंग, आई अंडरस्टैंड, तुम्हारी मर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे कुछ नहीं सुनना, आप लोग प्लीज चले जाइए। आप बड़े, आप पहले चले जाइए। तुम छोटे हो, तुम जाओ, मैं बात कर रहा हूँ। तुम लोग जाओ। मैंने कहा ना, आप प्लीज चले जाइए। तुम चले जाओ यहाँ से। क्या हो गया हमारी सपना बेटी को? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम लोग तो इतना प्यार करते हैं उसको। उसे तुम तीनों का प्यार का जरूरत नहीं है मैन। तो ओह जीसस सेव मी, तुम तीनों को कौन समझाएगा? हमारा बेबी अभी जवान हो गया है, उसको किसी लड़के का लव का जरूरत है, अपने हस्बैंड के लव का, तुम्हारा लव का नहीं। बात तो ठीक है भाई, लड़की जवान हो गई है, उसकी शादी करनी चाहिए। माय डियर ब्रदर्स पीएनपी पंडित एंड पहलवान, मैंने डिसाइड कर लिया है कि सपना डार्लिंग के लिए लड़का मैं ढूंढूंगा। क्या? थोड़ा सा डेलिकेट, थोड़ा सा नॉर्मल एंड थोड़ा सा इंटेलिजेंट, बिल्कुल मेरे जैसा। ओए,
ओए तू लड़की की जिंदगी बर्बाद करेगा। इसकी बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे। खुद ऐसा है, लड़का भी ऐसा लेकर आया। मैं कैसा हूँ? लड़का मैं पसंद करूंगा, शुद्ध विचार रखने वाला, मंदिर में जाने वाला, पूजा कीर्तन करने वाला। शुद्ध विचारों से और मूली के पत्ते खाने से जिंदगी नहीं चलती। लड़का मैं लेकर आऊंगा, जो दिमाग से ही नहीं जिस्म से भी मजबूत होगा। जरूरत पड़ने पर पंजाब पर भारी पड़ेगा। बेबी, तुम्हारा मिल। मेरी आंटी, मेरे मामा मेरी शादी करवाना चाहते हैं। अरे बेबी, तो तुम शादी नहीं बनाएगा? बनाएगा मेरी आंटी, लेकिन जिस तरह की लड़की वो ढूंढेंगे मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आज तक मैं इनके इशारों पर नाचती रही हूँ, शादी के बाद पति मुझे नचाएगा। माय बेबी, अपना चॉइस का बॉय से मैरिज बनाना मांगता? हाँ, वो तो बात की बात है। पहले मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ, अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से। तो फिर एक ही रास्ता है माय बेबी, रन अवे, भाग जाओ इधर से। ये क्या कह रही हो मेरी आंटी? हम ठीक बोलता चाइल्ड, वरना ये तुम्हारा मैड अंकल लोग तुमको अपनी मर्जी से जीने नहीं देगा। मैंने ये हिम्मत तेरी? नॉनसेंस दिस इज। वो लोग मेरे को घर से निकाल दिया, मगर हम सपना को अपना दिल से कभी नहीं निकाल पाया। एक चीज हम वो घर से चुराया, सपना का फोटो, जिसको हम हमेशा अपने पास रखता। देखो आप, बहुत खूबसूरत है। बस अब यही मेरे घर की बहू बनेगी। देखिए क्वालिटीज है इसका अंदर। एक अंकल से इसको रिलीजन का पूरा नॉलेज है, दूसरा अंकल की वजह से हेल्थ कॉन्शियस है, और तीसरा अंकल की वजह से अपडेटेड है, टाइम का हिसाब से चलता है। बहुत अच्छी बच्ची है सन। हमारा तो फैसला हो गया, हम इसी को अपनी बहू बनाएंगे। अरे जो लड़की तस्वीर में इतनी खूबसूरत दिखती है, घर में आएगी तो उजाला कर देगी। अरे तू तो चुप क्यों है, बोलता क्यों नहीं? इसका फैसला मैं करता हूँ। अब बॉक्सिंग में अगर तू जीता तो ये तेरी बीवी बनकर आएगी, और अगर मैं हार गया मरता है तो ये आपकी बहू बनकर आएगी डैड। आओ भाई। हाय। नमस्कार। हाँ जी, पहले तो ये बताओ कि आपको इस घर का पता किसने बताया? किसने बताया कि इस घर में एक जवान लड़की भी है? और ये कि उसकी शादी होने वाली है? देखिए, जब किसी घर में जवान बेटी हो और वो नेक हो तो पता चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, रिश्ते खुद ब खुद आने लग जाते हैं। बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप बेटी को बुलवा दें। बुलवा? बेटी को बुलवा दीजिए, वो हमारी बेटी है, दुकान में सजा के रखा हुआ सामान नहीं। मैं भी उसे बहू ही बनाना चाहता हूँ। जबरदस्ती बना लोगे क्या? आप हैं कौन? मेरा नाम सेठ ओबेरॉय है। ओबेरॉय सेठ? ऐसे बोल रहा है जैसे ओबेरॉय होटल का मालिक हो। किलो के लोला। आपकी बेटी को डिस्को डांसिंग और फैशन डिजाइनिंग आती है? उसको पहलवानी आती है, जिसे मजबूत है, अखाड़े में दो दो हाथ कर सकता है। पूजा पाठ, भजन कीर्तन, रामायण गीता, महाभारत के पाठ कर सकता है वो। क्या बदतमीजी है ये, मैं यहाँ रिश्ते की बात करने आया हूँ। एक कहता है आपका बेटा डिस्को में कूले हिला सकता है। हा? दूसरा कहता है आपका बेटा अखाड़े में दो दो हाथ कर सकता है। हा? तीसरा कहता है वो रामायण महाभारत के श्लोक पढ़ सकता है। हा? ये घर है पागलखाना है। देखो जी, इन क्वालिफिकेशंस के बगैर रिश्ता हो ही नहीं सकता। हा? तो मुझे इन पागलों के घर में रिश्ता करना भी नहीं है। फिर वो रहा दरवाजा। मालूम है वो खिड़की नहीं है, दरवाजा है। जाइए। नमस्ते सपना बेटी। जी एक मिनट, छूने का नहीं। चलो। कौन है ये अंकल? हाँ, की ऐसी की तैसी अपमान करते हैं, इंसल्ट करते हैं, जैसे मैंने बेटा नहीं को मुजरिम पैदा कर दिया है। क्यों, ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? कहने में रह क्या गया, बाहर निकाल दिया। कहा वो रहा दरवाजा, गेट आउट। ये क्या आपके साथ? अरे ठहर ठहर ठहर,
गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया, मन मैं जबड़े तोड़ दूं गुस्से मार मार के, लेकिन सपना को देखने के बाद मेरा सारा गुस्सा काफूर हो गया। अच्छा, क्या बच्ची है? इसने तो कुछ भी नहीं बताया, बहुत प्यारी है यार। लेकिन फिर भी आपकी इंसल्ट हुई ना? हाँ तो क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? तो मैं भी छोड़ूंगा नहीं उनको, जिद में मैं तेरा बाप हूँ और अगर तू मेरा बेटा है तो तू मेरी जिद पूरी करेगा और सपना को मेरे घर की बहू बना कर रहेगा। आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है डैड? बहुत। तो फिर मेरे लिए उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दुल्हन हम ले जाएंगे। कहाँ जा रही हो? मामा जी, मैं कोई गलत काम करने नहीं जा रही हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ, घूमना चाहती हूँ, आजादी में सांस लेना चाहती हूँ। प्लीज मामा जी, मुझे जाने दीजिए, मैं जरूर लौट कर आऊंगी। आई प्रॉमिस यू मामा जी, प्लीज लेट मी गो। कितने पैसे लेकर जा रही हो? मैंने कोई पैसे नहीं लिए। आप मेरा बैग चेक कर लीजिए। पूरी दुनिया घूमोगी बिना पैसों की? जी। देखो, मेरे दोनों ब्रदर्स PNP पंडित एंड पहलवान पागल है, लेकिन मैं सोफिस्टिकेटेड हूँ, डेलिकेटेड हूँ, एजुकेटेड हूँ, मैं इमोशनलेटेड भी हूँ। मैं तुम्हारा दर्द बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, समझी? भोलू प्रभु, भोलू भाग गई, भाग गई। आखिर तुम दोनों ने मेरी सपना डाली को भगवा दिया। क्या बकता है तू? राम 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 राम, कहाँ गई सपना बेटी? खत देखो, इसमें लिखा है अपनी मर्जी से जीने के लिए जा रही हूँ, तुमने दौड़ा दिया उसे पहलवान। ओए चपेड़ मारूंगा। मैं भी। कहाँ पा गई? रोज सुबह से शाम तक उसको उठक बैठक करवाते थे, उसको दौड़ाते थे, PT उषा बना दिया। अब ऐसी भागिया कि लौट कर नहीं आ रही है। नहीं सपना बेटी, भाग नहीं सकती। भाग सकती नहीं, भाग गई है। अब किससे कराओगे पूजा, बताओ? हिलामत हिलामत। ओए ढूंढो उसको, किसी सहेली के यहाँ गई होगी। सहेली के यहाँ? तुमने उसको किसी की सहेली बनने दिया? हे ऊपर वाले, उसकी रक्षा करना, जवान लड़की है, कोई गलत कदम ना उठा ले बस। ओए अब कहाँ ढूंढे उसको? अब तो बस एक ही काम हो सकता है, तुम जाओ रेलवे स्टेशन, तुम जाओ बस स्टैंड और मैं जाता हूँ एयरपोर्ट। ओ मामा जी, आई एम सो एक्साइटेड, मैं कितनी खुश हूँ। जानती हो, जब मैं भी पहली बार एयर इंडिया से पेरिस गया था ना, मैं भी बहुत खुश था। मैंने वहाँ डॉलर बचा लिए थे, ये तू रख। Thanks. मैंने फिर अरेंजमेंट एक टूर के साथ कर दिया, ये साथ लेकर जाते हैं, घुमाते हैं और वापस लेकर आते हैं, तो उनके साथ सेफ रहेगी। यू नो, अकेले भेजने में डर लगता है ना। अब बताओ, मैं तेरे दोनों मामा PNP पहलवान एंड पंडित से बेटर हूँ कि नहीं? ओह मामा जी, यू आर द ग्रेटेस्ट। ओह माय गॉड, यू आर आल्सो वेरी स्वीट। माय गॉड, क्या हुआ? ये टूर मैनेजर पता नहीं कहाँ चला गया। मैनेजर, तू बुला ना बेटा। ए हेलो मैनेजर। सॉफ्टली सॉफ्टली। और इस एयरपोर्ट की भी कोई इज्जत होती है, अंडरस्टैंड? मैं तुम्हारा टूर मैनेजर हूँ, कोई राशन की दुकान का हमाल नहीं हूँ, अंडरस्टैंड? हाँ, तुम लोगों में एक लड़की कम है। लड़की इधर है। तू लड़की है? तमीज से बात करो। समझ गया, तू चाहता है कि तुझे मैं लड़की बना के ले जाऊं और नाम भी सपना। लो, यू आर ए टोटल इडियट। सपना मेरी भांजी का नाम है। तो भांजी के नाम पे जाओगे? एक्सक्यूज मी, मैं फैशन डिजाइनर हूँ, पूरा वर्ल्ड ट्रेवल कर चुका। आई हैव गॉन टू अमेरिका, आई हैव गॉन टू मॉस्को, आई हैव गॉन टू रशिया, सॉरी मॉस्को। तो यहाँ घुसना चाहते हो? एक टिकट पे दो जाओगे? बस या ट्रेन समझ रखा है, ये प्लेन है, प्लेन, अंडरस्टैंड? ओह माय गॉड, आई डोंट बिलीव इट। मैं इसका मामा हूँ, ये मेरी भांजी है, मैं इसको एयरपोर्ट छोड़ने आया हूँ। तो छोड़ के जाओ ना, प्लेन तक छोड़ने आओगे, पायलट से मिलवाओगे, हवा पानी चेक करोगे, पहले अपने चेकअप कराइए। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, आई एम इवन, आई बाय, आई डोंट वांट टू ग्रुप, प्लीज फॉलो मी, कम ऑन, व्हाट नॉनसेंस, आई डोंट बिलीव दिस मैन, यू आर स्टूपिड। जेने दीजिए, कम ऑन। अच्छा मामा जी, मैं चलती हूँ। एंड लुक, ग्रुप से अलग मत होना। डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं हुआ। प्लीज अपना ख्याल रखना। लुक आफ्टर योरसेल्फ। ओके बाय। एंड बी केयरफुल ऑफ दैट मैन। एंड बाय डार्लिंग। बाय बाय। मामा जी। ओह माय गॉड। ओह माय डार्लिंग। लुक आफ्टर योरसेल्फ। बाय डार्लिंग। ओह माय गॉड। ओह गॉड, आई कांट टेक इट। बाय। या फैंटास्टिक। ओह टू गुड। ओह टू। एक बात बताइए कुडैक जी। या या। सारे हीरोइंस बॉम्बे में शूट करती हैं। आप मेरा पोर्टफोलियो स्विट्जरलैंड में क्यों कर रहे हैं? अरे लवली जी, आप समझती नहीं है, हीरोइन के साथ साथ प्रोड्यूसर को लोकेशन फ्री में मिल जाएगी। क्या हो रहा है ये?
अरे आंखें नहीं है, दिखता नहीं है क्या? मेरी तो आंखें हैं, लेकिन तुम अंधे हो गए हो। क्यों? तुम्हें मालूम है प्लेन ने फोटो खींचना मना है? अरे कहाँ लिखा है? लिखा नहीं तो दिखा नहीं। किसकी तस्वीर ले रहे हो तुम? दिखाई नहीं देता इनकी। इनकी आप सर से लेके पांव तक तस्वीर लगती हो, आपको तस्वीर खिंचवाने की क्या जरूरत है? How sweet. So pretty. Excuse me, वो मेरे साथ है। तुम सब मेरे साथ हो, मैं तुम्हारा मैनेजर। अंडरस्टैंड? बैठो सर, बैठो। अरे आराम से, आराम आराम। बेल्ट लगाओ, बेल्ट लगाओ, बेल्ट लगाओ पहले। शायद उनको पता नहीं, इनको घर में भी बेल्ट की जरूरत है। Where is it? ए हेलो, ये क्या बदतमीजी है? आप 4A ढूंढ रही हैं ना? जी। यही 4A? तो ये मेरी सीट है, चलिए उठ जाइए। मेरी भी यही सीट है। आपका मतलब मैं आपकी गोद में बैठकर स्विट्जरलैंड जाऊंगी? मैं आपकी गोद में बैठ जाता हूँ, लेकिन आपको तकलीफ क्या? मुझे खुशी होगी कि आप मेरी गोद में बैठे। What nonsense is this bad behavior? आप समझते क्यों नहीं? क्या हो रहा है? ये मेरी सीट पे बैठा है, ये देखिए 4A। एक नंबर के दो सीट, एयरपोर्ट ने ऐसे कैसे भूल की? बहुत खूबसूरत भूल की है। आप यहाँ बैठ जाइए। क्यों? ये मेरी सीट है, मैं यही बैठूंगी। यार तुम बैठ जाओ। हाँ चलो। मारेगा क्या? मैं क्यों उठूं? मैं तो ऑलरेडी बैठा हूँ ना यहाँ पे। ओके। इतना जिद्दी लड़का मैंने जिंदगी में नहीं देखा। और देखोगी भी नहीं। अब तो बहुत दिनों का साथ है, देखती रहना। हेलो, बाहर पुलिस आई है। माल बाहर ले जाना मुश्किल है। अगर हम माल बाहर नहीं ले जा सकते तो क्या? वो देखो, सामने इंडियन ग्रुप है, वो हमारा माल बाहर ले जाएंगे। एक्सक्यूज मी, क्या कर रहे हैं आप? चीको चीको चिल्लाओ, ताकि यहाँ के पुलिस वाले तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे। वो हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि हम यहाँ पे आराम से घूम सकेंगे। ए हेलो, सतारे मुझे, सॉरी। Hello, buddy. How are you? How are you doing? Come on. Good morning. Please come, come. Jaldi karo, jaldi karo, jaldi karo. Thank you very much. Yo. Bye. Come on, come on. Stop. Can I see a passport, please? Follow me. इंस्पेक्टर साहब आए हैं। हाँ, देखा मेरी पूजा का असर? सपना बेटी मिल गई होगी। वाह, मैंने बुलाया है। हेलो, आई एम विकी। ओह माय गॉड, दीज आर माय ब्रदर्स पीएनपी पहलवान एंड पंडित। आयुष्मान, व्हाट एन इडियट। अच्छा, तो तुमने रिपोर्ट लिखवाई थी लड़की गुम होने की? ओए कुछ मालूम पड़ा? पहले हम तो मालूम कर ले। अच्छा, लड़की भागी किसके साथ है? ओए भागी है मतलब? ऐसी नहीं है वो। अच्छा अच्छा, उम्र कितनी है? 19 साल। अच्छा, और रंग? ओए तेरे को फोटो दी तो? अरे फोटो में तो मैं भी गोरा लगता हूँ। टोपी गोरी है, आँखें पूरी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारे लिए तो बच्ची थी। अच्छा, बच्ची के बॉयफ्रेंड्स कितने थे? एक भी नहीं। अच्छा, कॉलेज में पढ़ती थी? कमाल है, कॉलेज में पढ़ती थी और बॉयफ्रेंड्स कोई भी नहीं था। अच्छा, सहेलियां कितनी थी? कोई नहीं। अच्छा, आदतें क्या थी उसकी? आदतें मतलब? पता, आजकल स्कूल कॉलेज में होता है चरस शराब ड्रग्स वगैरह। ये पकड़ जरा। नहीं हल्का। आप पूछ, क्या पूछना था बे? नहीं करती थी तो ना कर दीजिए ना। अच्छा, कहीं घूमने जाया करती थी क्या? नहीं। तो फिर अच्छा हुआ कि भाग गई। नहीं, मेरा मतलब सहेलियां थी नहीं, बॉयफ्रेंड्स थे नहीं, कहीं घूमने नहीं जाती थी। अब भागती नहीं तो क्या करती है? अरे आई नहीं अभी तक यार। क्या रे भैया, के जानो ना यार। अरे वो नहीं आई। कौन?
अरे वही महारानी, रानी हिंदुस्तानी। यस। इसको उठाया कि नहीं? अरे ऐसा ठीक है कि मेरा दिल अभी तक धड़क रहा है। तुम बस में सबको ठूसो, मैं उसको लेके आता हूँ। प्लीज चलिए चलिए चलिए, एक्सक्यूज मी, अंदर अंदर चलिए मैडम, चलिए। ये ले, ये 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 चल। अरे काम करे दे यार, कमाल का काम भी नहीं कर रहे। ए रानी हिंदुस्तानी उठो, मुझे सोना है। सब लोग तुम्हारा नीचे बस में इंतजार करें, उठो चलो। तो करने दो ना, मैं हॉलिडे पे हूँ। अरे ये सब नखरे घर में दिखाना। कह दिया ना मुझे सोना है। नींद तो वैसे मुझे भी बहुत आ रही है। अब क्या हुआ, आओ ना सो ना मेरे साथ, आओ ना। जल्दी आइए बाहर, सब लोग आ जाइए, फटाफट फटाफट, कम ऑन कम ऑन। या 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 ओके। यार क्या चक्कर लगा रहे हो, बात सुनो यार। साथियों, ये स्विट्जरलैंड का कैपिटल बर्न है। हम लोग यहाँ पर 2 घंटे रुकने वाले हैं। आप लोगों को शॉपिंग करना है, खाना है, पीना है, जो कुछ करना है करके आइए, लेकिन मिलेंगे हम लोग क्लॉक टावर के पास। ओके, और आप लेट नहीं करेंगी। हेलो, कौन कैसे है? लवली जी आइए ना, फोटो खींचेंगे। हाय, क्यों मेरे पीछे पीछे आ रहे हो? ओके, अब मैं तुमसे ये पूछूं कि तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? आखिर तुम चाहते क्या हो, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? तुम इतनी अकड़ी क्यों रहती हो, हाँ? कि तुम कभी किसी से प्यार से बात नहीं कर सकती? कर सकती हूँ, पर मैं नहीं करती क्योंकि मैं जरूरी नहीं समझती। बोलो। 3.5 घंटे हो गए, अभी तक नहीं आई। ओह माय गॉड, टू मच। ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम जानते से? नहीं, लेकिन जिंदगी भर के लिए इसे जानना चाहता हूँ। अरे आ गई। हाँ? वही है क्या? क्या है? बन के गई थी, क्या बन के आई है? तुम अटकना, 16वां साल है, हाय क्या ताल है। धीरे धीरे चलना, यूं ना तुम अटकना, 16वां साल है, हाय क्या ताल है। पर एक बार तो देख पलट के, मुंडा दे कमाल है, मुंडा कमाल है, मुंडा कमाल है, मुंडा कमाल है, मुंडा धीरे चलना, यूं ना तुम अटकना, 16वां साल है, हाय क्या ताल है। पर एक बार तू देख पलट के, मुंडा भी कमाल है, मुंडा कमाल है, मुंडा कमाल है, मुंडा कमाल है, मुंडा ओ मुंडा, मुंडा कमाल है, मुंडा कमाल है, मुंडा कमाल है, मुंडा। To you, कर देगा मामला टाइट। In our language, we call him Munda Kamal है। ओ मुंडा। क्या
क्या चाल है क्या गाल है ओ कुड़िये तू बेमिसाल है क्या चाल है क्या गाल है ओ कुड़िये तू बेमिसाल है ओ कुड़िये तू बेमिसाल है धीरे धीरे चलना क्यों ना तुम अटकना सोलवा साल है हाय क्या ताल है पर एक बार तू देख पलट के मुंडा भी कमाल है मुंडा कमाल है मुंडा कमाल है मुंडा कमाल है मुंडा है मुंडा मुंडा कमाल है मुंडा कमाल है मुंडा कमाल है मुंडा कोई टाइम है वापस आने का अरे किस नहीं कर रहा हूं सीटी बजाना चाह रहा हूं क्योंकि आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो अच्छा ए पलट हेलो हेलो रानी हिंदुस्तानी हाँ बोलो हम सब आपका नीचे बस में इंतजार कर रहे हैं कह दो मैं सो रही हूँ ओके मैं तीन तक गिनता हूँ अगर तीन गिनने के अंदर अंदर आप नीचे नहीं आई तो मैं समझ लूंगा कि आप चाहती कि मैं ऊपर आ जाऊं एक दो तीन पागल लड़का है क्या हुआ We missed them. वो लोग ऑस्ट्रिया चले गए अब क्या करें हाँ तो दोस्तों आप लोगों ने स्विट्जरलैंड देख लिया यहाँ के खूबसूरत नजारे देख लिए दुनिया भर का काला धन कहाँ रखते हैं स्विस बैंक भी आप लोगों ने देख लिया
और ये भी देखा कि यहाँ के भैंस के तबेले भी बंगले लगते हैं और हमारे बंगले तबेले। एनीवे स्विट्जरलैंड को छोड़कर हम जा रहे हैं अभी ऑस्ट्रिया, और मैं देख रहा हूँ कि मेरी नसीहत का असर धीरे धीरे हो रहा है। कुछ लोग एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं, जैसे बनिया धंधे पर आता है वैसे कुछ लोग कंधे पर आ रहे हैं। सिंघल साहब, कमाल की लड़की, हमेशा सोती रहती है। ये देखना, ये देखना है? है? मुझे उठा क्यों नहीं दिया? कब से तुम्हारे कंधे पे सो रही हो? तुम बहुत खुशनसीब हो, कितनी लड़कियां मेरे कंधे पे सोने के लिए तरसती हैं, तुम्हें मालूम है? हे मैकडॉनल्ड्स, रुको रुको, अरे जल्दी रोको। ये इंडिया नहीं है, यहाँ बहुत सारे मैकडॉनल्ड्स हैं। मुझे पता है, सुबह सुबह बिना नाश्ते के बस में बिठा दिया, बहुत भूख लगी है। तो मुझे खा जाओ। नो थैंक यू। या फिर भूख को इस तरह बर्दाश्त करो जैसे कि मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ। ए हेलो, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। ये लोग गोद में आ गई, कभी कमरे में आ जाती हो, कभी कंधे पे सर रखकर सो जाती हो। मुझे लग रहा है कि तुम मुझे ज्यादा इंटरेस्ट ले रही हो। यू इंटरेस्ट ले रही कि नहीं मुझमें? ले रही है। मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ। अच्छा ये बताओ किस टाइप की लड़की हो? अच्छा टाइप बताओ। हाँ टाइप बताओ ना, टाइप टाइप बताओ ना। ज्यादा ही मजा कर रहे हो। चलो जल्दी, कमान कमान कमान, जिसको जो करना है कर लो फटाफट, एक नंबर दो नंबर ये वो ये सब कर लो, जितनी देर में गाड़ी का पेट्रोल भर जाए आप लोग जल्द से जल्द वापस आ जाए। प्लीज कमान, मैं मैकडॉनल्ड्स से कुछ लेके आती हूँ। मैकडॉनल्ड्स बहुत दूर निकल गया, तुम यहाँ से कुछ ले लो। नहीं नहीं नहीं, ये सब बकवास है, मुझे वहीं से लाना है। ए हेलो, मेरे लिए वेट करना। हाँ ये लड़की पागल है क्या? इसको घर वालों ने अकेले कैसे छोड़ दिया भाई? छोड़ा नहीं, लात मार के भेजा है ताकि तुम इसे संभालो। फोटो वाली ए, बस का चली गई। चली गई तुम? मैंने ड्राइवर को बहुत समझाने की कोशिश की कि ये रानी हिंदुस्तानी है, तुम्हारी बस खरीद लेगी, लेकिन वो बस लेके चला गया। हेलो, ये जताने की कोशिश मत करो कि तुमने मेरे वजह से बस छोड़ दी। हाँ हाँ, मैं पागल हूँ ना, पेट्रोल पंप पे घूमना मेरा शौक है, ऑब्वियसली मैं तुम्हारे वजह से यहाँ पे रुका हूँ। और मैंने ऑस्ट्रिया का नंबर भी ले लिया है। दिखाओ दिखाओ ना। गुड, तुम अपने रास्ते से जाओ, मैं अपने रास्ते से जाऊंगी। वैसे भी मुझे तुम्हारी कंपनी बिल्कुल पसंद नहीं। यम्मी। ये गोरे बहुत फास्ट भागते हैं। हवा से बातें कर रहे हो? तुम्हें पता ही नहीं क्या हुआ? क्या? जिसके पीछे मैं भागा था ना, वो दरअसल में आपका पर्स चुरा के भागा था। Very funny. मेरा बैग चोरी हो गया। कहाँ है मेरा बैग? रॉबर्ट चोर! नमस्ते मैडम, मैं जा रहा हूँ ऑस्ट्रिया अकेले, क्योंकि वैसे ही मुझे तुम्हारी कंपनी बिल्कुल पसंद नहीं है। ए, कैसे लड़के हो तुम? एक हिंदुस्तानी लड़की को मुसीबत में छोड़ के जाओगे? मदद मांग रही हो? कैसे लड़के हो तुम? एक हिंदुस्तानी लड़की को मुसीबत में छोड़ के जाओगे? ठीक है ठीक है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर हमें एक दूसरी बस मिल जाएगी। चलो। हाँ हाँ चलो, कम ऑन। हाँ हाँ चलो, कम ऑन। पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे, और तुम तो डर परदेसी साथ क्या निभाओगे? सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। We are looking out for a girl, light eyes, brown hair. Move. Hey, out of the bus. I want to see out of the bus. Come on. I want to see your faces, everybody. Out. Out, I said.
Come on, move on. Move on. In a line. Hey, where's that girl? Sir, I'm telling you the kind of girl you're looking for. Light eyes, brown hair. Nobody like that. You can check. Oh, yeah? Excuse me. Let me explain it to you. Hey! मुझे बेवकूफ मत बनाओ. वो लड़की कहाँ है? हाँ? आप हिंदुस्तानी हो? हाँ तो? एक हिंदुस्तानी भाई होकर मेरी कनपट्टी पे गन रखते हो? एक छोटा भाई होकर बड़े भाई की कनपट्टी पे गन रखते हो? शर्म आनी चाहिए आपको. आप मेरे भाई हैं, गुंडे नहीं है. गुंडे हैं आप, मवाली हैं. क्यों मारता है तुम? हाँ, अरे छोटे भाई के हाथ में खिलौना अच्छा लगता है. गन नहीं, गुंडा है, मवाली है, टपोरी है तू. मारो विजया, कम ऑन. ओके 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 ओके. All right, then get off from here. My gun. Your gun? No problem, man. Take your gun. Bullet. All right. Come on, jaldi. मैं बहुत थक गई हूँ. मैं और नहीं चल सकती. अब थोड़ी दूर है बस स्टॉप. चलो. अब जब तक गाड़ी नहीं आएगी मैं नहीं जाऊंगी. गाड़ी मंगा लें आपके लिए. हाँ, थोड़ी देर में गाड़ी आएगी. शोफर उतरेगा और बोलेगा, रानी हिंदुस्तानी प्लीज बैठिए गाड़ी में. ए हेलो, लिफ्ट भी तो ले सकते. ए हेलो, अगर लिफ्ट लेना इतना आसान होता ना तो दुनिया के सारे कड़के दुनिया घुमाते. मुझे पता है लिफ्ट कैसे लेनी चाहिए. तो फिर लो लिफ्ट. किस टाइप का लड़का तुम्हें? मैं लूंगी. Baby, let's go. Raja! छोड़ो मुझे. Let's go, enjoy. Leave me, you stupid man. तुम जैसे हिंदुस्तानी हिंदुस्तान का नाम खराब कर रहा है. चल हट पीछे. छोड़ लड़की को. Stupid. राजा, तुम कुछ कम हो गया क्या? दो चार डंबल्स मारने से कोई भी आदमी फाइटर नहीं बनता है, समझा? You Indian. आप क्या जीत गया ना? मैं कांग्रेस. लिफ्ट देगा क्या? नहीं. चलता चलता. एक मिनट. एले मेरी माँ. पहन लो तुम. चल. और ये आपके लिए मेरे भाई. अरे क्या हो रहा है? चलो ना यार. चलो 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 चलो. ये टाइम सूट तो अच्छा लग रहा है. कूल. अरे वाह, उधार के कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही हो. थैंक यू. इंडिया जाके सब नए दिला दूंगी. इंडिया के नहीं, बाहर का ये. ए हेलो, जस्ट शट अप. ओके, चलो चलो अपने कमरे में जाओ. चलो जाओ. ये मेरा ही कमरा है. तो फिर मेरा कमरा कहाँ है? मैंने आपको यहाँ पे रहने दिया है. क्या तुम मुझे यहाँ रहने को कह रहे हो? मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहूंगी? इम्पॉसिबल. अलग अलग कमरे लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है. रहना है तो यही रहना है, नहीं रहना है तो यही रहना है. ओके? अगर मेरे बॉयफ्रेंड को पता चल गया कि मैंने एक ही कमरे में एक लड़के के साथ एक रात गुजारी तो वो क्या सोचेगा? मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड में कोई इंटरेस्ट नहीं है. अगर मेरी गर्लफ्रेंड को पता चला तो वो मुझे छोड़ देगी. आई डोंट केयर. क्या कर रही हो? फोन कर रही हूँ इंडिया, अपने बॉयफ्रेंड को. अरे इंडिया, सूट क्या पहनने दिया? तुम तो मेरी चड्डी बनियान भी उतार दोगी. कह दिया ना, इंडिया जाके सब चुका दूंगी. अरे पहले. हेलो, हाय माय डार्लिंग, माय स्वीटहार्ट, माय कुचीपू, कैसे हो? आई मिस यू सो मच. तुमने अपना टिकट क्यों कैंसिल किया? पता है यहाँ के ग्रुप के लोग बहुत पकाओ है, बहुत इरिटेटिंग.
क्यों कट किया? मेरे पैसे पे रोमांस कर रही हो और मेरी ही बुराई कर रही हो। किसको फोन कर रहे हो? मेरी गर्लफ्रेंड को। हेलो, हाय जानू, क्या कर रही हो? I've realized one thing, that you are the best. You are the best girl. क्या हुआ? क्यों काटा? क्योंकि तुमने मेरी लाइन काटी। Rocky. Wanna have a beer? Yeah, sure, why not? Ooh. Cheers! That'll be £3. Oh my god. Hey, hello, Raja. अच्छा हुआ तुम आ गए। हमारे पास 3 francs हैं मुझे देने के लिए। है ना? लेकिन किस लिए चाहिए? मैंने थोड़ी सी बियर पी ली। इनको देना है। सपना, मैं तुम्हें फ्रैंकली बता दूं कि तुम्हें देने के लिए मेरे पास बहुत सारे फ्रैंक्स हैं, लेकिन इस बियर के लिए एक फ्रैंक भी नहीं। क्यों? Can I buy your drink? Yeah, sure. Hey, it's on me. Come on, Raja, let's dance. Yeah. Hey, mommy, come, let's dance. Of course, why not? Hey, leave all on, okay? Yo. Come on, baby, move, come on, have some party, come on, keep on moving, come on, that's it, come on, move, baby, come on, yes, that's it, come on, move, go, come on, हिंदुस्तानी लड़कियां ऐसा करती हैं? क्या हिंदुस्तानी लड़के ऐसे करते हैं कि एक लड़की प्रॉब्लम में फंसी है और तुम हाथ छोड़ के माफी मांग रहे हो? मार नहीं सकते थे उन्हें? अगर कोई लड़की किसी लड़के को उकसाएगी तो लड़का ऐसा ही करेगा। मैं तुमसे डांस कर रही थी। तुम चाहती क्या हो? मैं जाके मारूं उनको? तुम फ्रेंच हो? नहीं। इटालियन हो? नहीं। जर्मन हो? नहीं। रशियन हो? मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो फिर फिर भी तुम्हारी गलती है। ओ मिस्टर राजा, लौट के आ जा, हुई खताब मान जा। धोखा दिया तुझको, अरे
का दिया तुझको मेरे सैया ले भैया चल छैया मैं तुझे पे फिदा ओ जाने जाना पास ना आना तेरी बातों में नहीं आऊंगा जो तूने छेड़ा मैं भी हूं टेढ़ा है इस जवानी की कसम तेरा बैंड मैं बजा के जाऊंगा आ गई ना मत बात करो मत बात करो सपना अरे क्या बचपना लगा रखा है पहाड़ों से बात करूं क्या मैं सपना 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 उठो पागल हो गए तुम उठो उठो पागल हो गई हो मेरी जान जाए तो तुम्हें क्या कम से कम मैं तुम्हें और परेशान तो नहीं करूंगी तू जान है अरमान है मेरे प्यार की पहचान है पर थोड़ी थोड़ी तू नादान है तू जो कहेगी मैं वैसा करूंगा तेरी हर जिद को पूरा करूंगा चलो बाबा माफ करो हंस भी दो मैंने दिल साफ किया कह भी दो झूठ न मनाना है प्यार की अदा कैसे जीऊंगा मैं तुमसे होके जुदा ऑस्ट्रिया के लिए ट्रेन आ जाएगी मैं तुम्हें ग्रुप के साथ छोड़ दूंगा मेरी जिम्मेदारी खत्म मुझे माफ करो ए हेलो क्या नाराज हो मुझसे नहीं नहीं बहुत खुश हूँ तुमसे तुम कल कर क्या रही थी आई एम सॉरी मैंने पहले ऐसे कभी नहीं किया तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना हाँ है उसे मालूम पड़ेगा तो मुझसे गलती हो गई गलती हो गई सुनो क्या
लेकिन तुम भी, और तुमने तो पी भी नहीं। बह गया था, मुझे भी बुरा लग रहा है। ओ। सुनो, क्या? एक कॉइन देना। क्यों? मुझे उनसे बात करनी है। अरे उससे कुछ मत बोलना, कुछ नहीं हुआ है। मुझे उनसे बात करनी है। क्या स्विट्जरलैंड में? क्या नहीं तो फिर ये लो कार्ड, बात करो उससे। पैसे है ना? हाँ है। और सुनो, कार खत्म मत कर देना, मुझे भी बात करनी है अपनी गर्लफ्रेंड से। हाय डार्लिंग, माय स्वीट हार्ट, आई मिस यू सो मच। अब मैं ग्रुप के साथ नहीं हूँ, धोखे से बिछड़ गई थी। क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? देखो मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करना। हा? अरे तुम क्या मुझे छोड़ोगे? मैं तुम्हें अभी इसी वक्त छोड़ती हूँ। गुड बाय एंड गेट लॉस्ट। बोला था ना नहीं बात करने को, टूट गया ना। अभी तरह और देखो मेरी गर्लफ्रेंड कितनी स्वीट है। विद प्लेजर। हेलो, हाय स्वीट हार्ट, आई लव यू जानू। ग्रुप के साथ क्या तुमने किससे बात की? एयरपोर्ट? झूठ बोल रहा है वो, मैं ग्रुप के साथ हूँ। कोई नहीं यहाँ पे अकेला हूँ मैं, कोई कोई नहीं हंस रहा। नहीं हंसना जरूरी था क्या? बंद करो हंसना। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं पूछोगे? सब जानता हूँ, तुम्हारे चेहरे पे लिखा है। तुम्हारे माँ बाप नहीं है, तुम्हारे तीन मामा है, उसमें से एक से बनती है, उसने तुम्हें यहाँ भेजा है। और एक बात बोलूं, जो भी लड़का तुम्हारी लाइफ में आएगा अब, वो नहीं साला इडियट, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करेगा। एक्सक्यूज मी, क्या? छोड़ो मुझे। सपना को लेके चले गए। अरे बाप रे राजा, बैठ जा, ये वही गुंडे तो नहीं जो सपना ढूंढ रहे थे? बैठो बैठो। अच्छा चले। ए हेलो, ए सीधी तरह बोल, तेरा पर्स कहाँ है? तुम्हें मेरे पर्स से क्या इंटरेस्ट है? हाँ, तेरे पर्स में मेरे 7 करोड़ के हीरे हैं। 7 करोड़ के हीरे मेरे पर्स में? ये क्या बकवास कर रहे हो? ज्यूरिक एयरपोर्ट पे चेकआउट करते वक्त वो हीरे मैंने ही तुम्हारे बैग में डाले थे। तुमने मेरे पर्स में हीरे डाले 7 करोड़ के? हंसते क्यों है? क्योंकि मेरा पर्स तो चोरी हो गया। उस चोर की तो निकल पड़ी, जिंदगी भर कुछ करने की जरूरत नहीं है उसे। बताती हूँ, लेकिन आपको नहीं, इनको कान में। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। राजा रुको, 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 रुको। ये उसी की चीख है। चलो चलो, हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश की तो इंडिया वापस नहीं जा पाएगी। समझी क्या? राजा आके बजा दे इनका बाजा। इन दोनों ने कहा था ना कि ये एयरपोर्ट गई है, लाओ इन दोनों को। अरे चलो सर, देखो कौन है तू? तू कौन रहेंगे? मैं यहाँ का बहुत बड़ा माना हुआ। मैं छोटा। यहाँ क्या कर रहा है? भाई मेरे को इसकी सुपारी मिली, आप अपने हीरे निकाल लो फिर मैं इसको देखता हूँ। राजा नहीं तेजा, जिसको हिंदुस्तान की पुलिस 10 साल से ढूंढ रही है। क्या राजा तुम ऐसे निकलोगे? मैंने इसे सोचा भी नहीं था। अरे मैं क्या पागल हूँ क्या, जो इसे घुमा रह लाऊं, फिरा रह लाऊं, इसके नखरे बर्दाश्त कर रह लाऊं, इसको होटल के बिल दे रह लाऊं? हम अपनी जान देंगे पर इसको कुछ नहीं होने देंगे। तेरी भी जान जाएंगी। नहीं, तू इसको बेवकूफ बना रहा है। अरे जो अंग्रेजों के बीच में रह के बदमाशियां कर रहा है, अरे सोच कितना बड़ा कमीना होगा। क्या बोला?
भाई कमीना बोला तुमको। किसको बोला? तुमको बोला ना अभी। अबे कमीना बोलता है? बहुत बोलता है तू। हाँ अरे बहुत कम बोल रहा हूँ तुम्हारी तारीफ में। अबे कमीना किसको बोलता है तू? हाँ अरे कमीने को कमीना नहीं बोलूंगा तो शरीफ आदमी बोलूंगा। तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। अबे तारीफ बोल रहा हूँ उतना ही कर। थैंक यू एयरपोर्ट। चला आप नीचे, हाथ नीचे, इधर देख, इधर देख, थोड़ा सा इस तरफ, इस तरफ। ओ मुंडा, एक और, ओ मुंडा, चलो 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 एक मिनट क्या हुआ? इसने मुझे थप्पड़ मारा है। अरे इसको कुछ मत करना, ये कराटे फराटे जानती है, इसने मुझे भी मारा है। अरे मैं भी तो पहलवान की भांजी हूँ। अरे यार ये देख लूंगी तुम्हें। हाँ चलो राजा, चलो चलो जल्दी चलो। हमारे से तो अच्छा टूर तुम्हारा रहा, थ्रिल एक्शन सब कुछ था उसमें। लेकिन हाँ। राजा थ्रिल के इस माहौल में रानी के साथ कुछ प्रेम वेम हुआ कि नहीं? भाई यहाँ सबको प्रेम हो रहा है, एक कमरे में दो दो घुसे हुए। पहले तो 14 कमरे लेने पड़ते थे, अब तो आधे में काम चल रहा है, सिर्फ 8 कमरे ले रहे हैं। वेरी गुड यार। लेकिन 14 का आधा 7 होता है। इनका अभी तो कुछ नहीं हुआ है। होगा भी नहीं। लवली एक्सक्यूज मी, लवली वन मोर लेंगे? अच्छा मैं भी आपके लिए एक कमरा बुक करूँ या दो? फिलहाल तो बोलो अभी सिर्फ दो। Let's go! सपना क्या हुआ? जब मैंने मना किया तो तुमने एक ही रूम लिया, अब अलग अलग क्यों? सपना तुम अमेरिकन हो? नहीं। रशियन हो? नहीं। फ्रेंच हो? जर्मन हो? नहीं, मैं हिंदुस्तानी हूँ। ये बात अच्छी तरह से याद रखना, मैं लड़का होके ये बात नहीं बोला, तुम कैसी भूल गई? मजबूरी में कमरे में ठहरना अलग बात है, अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पता चलता कि तुम किसी दूसरे लड़के के साथ अकेली कमरे में ठहरी हो तो उसे कैसा लगता? जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड को लगता। जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो मेरी नजदीक आने की जरूरत क्या थी? जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो तुम मेरी नजदीक क्यों आई? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। झूठ बोल रहे हो। जी नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, तुम झूठ बोल रही हो। मैं भी सच बोल रही हूँ। कोई नहीं है? नहीं। सच? सच सच सच। अगर तुमने पहले कह दिया होता तो अब तक तो होते होते हो गया होता। अच्छा एक बात बता, पहले तुम कहोगी या मैं कहूं? कह दूं? कह दो। मगर तुम पहले कहोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा हो जाएगा मैंने सोचा नहीं, दिल ये खो जाएगा मैंने जाना नहीं। तुम हो मेरे सनम भूल जाना नहीं, तुमको मेरी कसम
अरमारियों की भांजी को ढूंढेंगे, फिर आपकी भांजी का नंबर आएगा।
ऐसे लोगों को पुलिस में भर्ती कौन करता है? देखिए, चमकिए मत। अगर मेरे को आपकी भांजी का पता चलेगा तो मैं आपको फोन कर दूंगा। अगर आपको आपकी भांजी का पता चले तो आप मुझे फोन कर देंगे। हेलो 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 मामा जी, सुनाई दे रहा है? हेलो सपना डार्लिंग, ओह माय गॉड, कहाँ से बोल रही है तू? सपना तू कैसी है? कैसी है तू? कहाँ से बोल रही है? हेलो हेलो सपना, मुझे बात करो, मुझे बात करो, ओए ना, मुझे बात करो। हेलो हेलो हेलो, लगता फिर झगड़ा कर रहे हैं। तूने मैं सपना बेटे के साथ बात भी नहीं करने दी, मारो इसे। मैं उससे पता पूछने वाला था, फोन गिरा दिया। पुलिस बार बार पीट करने वालों को अंदर करती है, आप अंदर आके मारपीट क्यों कर रहे हैं? तो इधर आजा। क्या कर रहे हैं? तुम्हारी इन्हीं सख्तियों की वजह से आज तो वो अकेली भाग गई, लेकिन देख लेना एक दिन किसी लड़के के साथ भाग जाएगी। ओए लड़के के बच्चे, मैं उस लड़के को गोली मार दूंगा। गोली मार दूंगा? और तू हाथ मत धोए, एक रेलू मामला है। रेलू मामला? हेलो, रुद्र तुम्हारा घर आ गया है। मेरा दिल नहीं कर रहा है। दिल तो मेरा भी नहीं कर रहा है। क्या देख रहा है? हाँ चल राजा, चल दफा हो राजा। और तेरे को सुनता नहीं, चल निकल यहां से। खबरदार दोबारा इधर मुंह किया। कसम से कसम से, क्या देख रहा है? हाँ चल राजा, चल दफा हो राजा। और तेरे को सुनता नहीं, चल निकल यहां से। खबरदार दोबारा इधर मुंह किया।
जब से हमारी भांजी गुम हुई है मेरी तो कसरत छूट गई। ओए तू आराम से संगीत सुन रहा है, भांजी की कोई फिक्र नहीं। हे भगवान, मेरी भांजी को मिला दे बस, मेरी भांजी को लौटा दे बस। मामा जी देखा है मेरी पूजा का चमत्कार? हाँ, उसकी आवाज सुनाई दे रही है, ऊपर वाले उसके दर्शन भी करा दे। ना? सपना नहीं है, हकीकत है ये। मामा जी आजा, बेटी तू कहाँ चली गई थी, हम इतने परेशान हो गए, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अगर मैं आपको बताती तो आप लोग मुझे जाने ही नहीं देते। हाँ लेकिन गई कहाँ थी तू? मैं दुनिया घुमाई, मैंने स्विट्जरलैंड देखा, ऑस्ट्रिया देखा, बहुत मजा आया। बेटी तूने तो कभी पड़ोस का मोहल्ला नहीं देखा था, तू कहाँ कहाँ घुमाई? अरे इसका हुलिया तो देखो, सीता बनकर गई थी, सूजी बनकर आई, अभी बिल्कुल लड़की जैसी लग रही है। अब जब हमारी सपना डार्लिंग सड़कों पर चलेगी तो लड़कों की भीड़ लग जाएगी। गंदी बात, देखा छोटा पाई नहीं होता, मैं मुंह तोड़ देता तेरा। आप तो पहलवान है, आपसे क्या होगा, मुझे मारी मत। मेरे पास मैं बताता हूँ। आप लोग लड़ते हैं तो ऐसा लगता है मुंह से फूल झड़ रहे हैं। आई मिस यू ऑल। चलिए मैं आप सबके लिए बहुत सारे प्रेजेंट्स लाई हूं। अरे राजा बेटा तू आ गया। तेरे बिना सारा घर कितना सुना सुना लग रहा था। वैसे भी गिनती के हम तीन ही तो मेंबर है, तू कहीं चला जाता तो फिर हम दो ही रह जाते हैं। चार करने गया था ना मां। इसका मतलब सन तेरे को सपना में भी पसंद आ गया? पसंद आई लेकिन आपसे थोड़ा सा कम। राजा एक मिनट, एक मिनट, तुझे जो काम मैंने दिया था वो किया? अरे आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मैं कोई बिजनेस डील पे गया। अबे वो मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा बिजनेस डील है, किया कि नहीं? क्या अबे पिटवाएगा क्या? क्या नहीं पूछो क्या? सपना से क्या शादी के लिए राजी हुई? राजी। तो बोलता क्यों नहीं आ जाए इसी बात पे? रिंदु, रिंदु। अरे कब ला रहे उसको? बहुत जल्द माँ। जल्दी लेके आओ पापा। बहुत जल्द। अबे मगर मुझसे कब मिला रहा यार? आपसे तो कभी नहीं मिलवाऊंगा। क्यों? क्योंकि आप इसमें कुछ ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। माँ बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। बहू है इसीलिए इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ। चलो तुम सच कह रहे हो, तुम्हारे माँ बाप सौतेले हैं। और नहीं तो क्या, झूठ बोल रहा हूँ? हे भगवान मुझे बहुत डर लग रहा है। लो आ गए सौतेले, सौतेले। माँ जी अरे अरे ये तो क्या कर रही है? माँ जी अब जो बोलेंगी जो कहेंगी मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस बस राजा पर जुल्म मत कीजिए। आप नहीं जानती ये बहुत 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 अच्छे हैं। मैं झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करूंगी, बस मुझे घासलेट से मत जलाइएगा, मुझे जलने से बहुत डर लगता है। ओके प्लीज माँ जी। ये क्या नाम सुना बोल रही है? मैं बताता हूँ, पहन इसको। नहीं नहीं प्लीज इन्हें मत मारिए, अब जो कुछ भी काम बोलेंगे हम दोनों मिल बात करेंगे। एक पंच मारूंगा तेरे भी दांत तोड़ दूंगा, पहन। बस हो गया बाबूजी, बचपन से लेके आज तक मैंने आपकी सुन सही, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता कि आप मेरे होने वाली बीवी पे हाथ उठाने पर बर्दाश्त नहीं होता। Oh my God, what's this noise? सपना my child, मेरी आंटी, राजा को बचाइए। ये राजा के सौतेले माँ बाप है, ये इन पर बहुत जुल्म करते हैं। ये क्या बोलता रे तू, ये सौतेला नहीं इसका रियल माँ बाप है। बच्ची को रुला दिया, देखो तो बदमाश कहीं का। सॉरी बेटा, सॉरी। माय पुअर डार्लिंग, तेरे बगैर हमको चैन कहाँ? हम ये काम किया कि हम इस घर में काम करें और तू हमेशा का वास्ता इस घर में बहू बन के आए। तूने मुझे नहीं पहचाना? मैं उस दिन तेरे घर आया था, तेरे मामा ने मुझे बाहर निकाल दिया था। हाँ। फिर मैंने ही राजा को तेरे पीछे यूरोप भेजा था। कमाल है, ये ले छोड़ दे। झूठे धोखेबाज फरेबी, मेरे सौतेले माँ बाप है, मुझ पर बहुत जुल्म करते हैं। तुम जैसे फरेबी से मैं बात भी नहीं करना चाहती। मेरी बात तो सुनो तुम। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम मुझे पहले से जानते थे, तुम्हारी पूरी फैमिली मिली हुई थी और उन्होंने तुम्हें मेरे पीछे भेजा था, है ना? इसलिए भेजा क्योंकि वो चाहते थे कि तुम उनकी घर की बहू बनो। शट अप, तुम्हारे पास पैसे थे फिर भी तुमने एक ही रूम लिया ताकि तुम मेरे नजदीक आओ। तुम मुझसे शादी करना चाहते थे? करना चाहता था, करना चाहता हूँ और करके रहूंगा। एनी प्रॉब्लम? Then what's the problem? Raja.
इस लड़के को तो मैं मार सकता हूँ, लेकिन ये लड़की बहुत खतरनाक है, तुम्हें इसे मारना पड़ेगा। No way. देखिए, मैंने आप लोगों को कहा ना, मेरे पास आपके हीरे नहीं है, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। hey, एक शर्त पर। बोल बड़े। है? तुम्हें इससे शादी करनी पड़ेगी। क्या? ये मेरा कजन है, ये इसकी गर्लफ्रेंड है, ये लोग दोनों यूरोप में रहते हैं। I don't believe this. अरे इसके प्यार की वजह से तो इतनी मार खाई। और मैंने चाहता। मैंडी। भाई भाभी को मिला रहा, दोस्त को भूल गया। ये भी? ये मेरा बचपन का दोस्त है मैंडी, वहीं पे काम करता है। एक चीज तुम भूल रहे हो। क्या? मेरा पर्स तो दिला दो, मुझे यकीन है वो चोर भी तुम्हारा आदमी है। वो मेरा आदमी नहीं, इसका आदमी, इससे बात कर। प्लीज मेरा पर्स दिला दो, वो मेरा फेवरेट पर्स है, आफ्टर ऑल उसमें 7 करोड़ के हीरे हैं। एक शर्त पर, राजा से शादी करोगी? ये, थैंक यू। बाय। सपना, ये सब तुम्हें पाने के लिए किया, नाराज तो नहीं ना? एक कमरे में रहे लेकिन तुम्हें टच भी नहीं किया। क्यों नहीं किया?
के दिल बार बार। मौसम बेईमान हुआ आज पहली बार, धड़के दिल बार बार। जाने क्या हुआ है, क्यों है जिया बेकरार, धड़के दिल बार बार, हाँ हाँ धड़के दिल बार बार। डार्लिंग, तुमने मुझसे पूछे बगैर किसी से प्यार कैसे कर लिया? मैं तो सोच रहा था तुम मेरे जैसा कोई लड़का ढूंढोगी। ओ नाराज मत होइए माय डियरेस्ट मामा जी, आप उसे मिलते ही यहाँ कर देंगे। पता है यूरोप में उसने मेरी कितनी मदद की, मेरा बैग चोरी हो गया, सारा खर्च उसी ने उठाया। हाँ, मतलब पैसों से इम्प्रेस किया। ओ मामा जी, वो बहुत ही शरीफ लड़का है, हम दोनों एक ही कमरे में रुके थे। ओ माय गॉड, और उसने मुझे टच तक नहीं किया। अच्छा, तब तो वाकई इडियट होगा, लेकिन मैं सिर्फ तारीफ सुनकर हाँ नहीं करने वाला। ओ मामा जी, आप उसे मिलिए तो सही, क्या दिखता है, क्या बॉडी है उसकी, क्या डांस करता है, क्या गाता है वो। हाँ, बिल्कुल मेरी तरह। हाँ मामा जी, बिल्कुल। ये लंबे बालों वाला। हाँ, मामा तेरी भांजी तो है एंटी पीस, 36 24 36। hey, मामा तेरी भांजी तो है एंटी पीस, 36 24 36। ये है मेरे लिए सबसे प्यारी चीज, उसका हाथ मेरे हाथ में दे दो प्लीज। मामा तेरी भांजी तो है एंटी पीस, हो गई है मेरी उम्र अब 19। मामा तेरी भांजी तो है एंटी पीस, हो गई है मेरी उम्र अब 19। ये है मेरे लिए सबसे प्यारी चीज, मेरा हाथ इसके हाथ में दे दो प्लीज। दिल मेरा बेटा तूने जीत लिया, जा तुझे तेरा मन मीत दिया, मैंने प्यार की रीत को सीख लिया। माना मेरी भांजी तो है एंटी पीस, लेकिन बेटा तू भी है कमाल की चीज। माना मेरी भांजी तो है एंटी पीस, लेकिन बेटा तू भी है कमाल की चीज। रखना संभाल के तू इसको प्लीज, आज से तेरा हुआ ये एंटी पीस। पता नहीं कहाँ चली गई, 10 बजने को आ गए, इतना लेट तो कभी नहीं हुई वो। माय डियर ब्रदर्स पीएनपी पहलवान एंड पंडित, गुड नाइट। ओए सुन, सपना बेटी पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने उसे घूमने के लिए भेजा है ब्रदर्स। घूमने कहाँ? मैंने उसके लिए एक लड़का पसंद कर लिया है और उसके साथ घूमने के लिए भेजा है, ताकि घूमो फिरो और एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। ओए मैंने तो उसे दिन में किसी लड़की के साथ बाहर नहीं भेजा, और तूने रात को उसको किसी लड़के के साथ भेज दिया। मैं तुझे चांद से मार दूंगा। तो क्या सपना की शादी नहीं करोगे? शादी करूंगा, लेकिन तेरी पसंद के लड़के के साथ नहीं। दैट्स फिक्स्ड, बाय बाय, गुड नाइट पीएनपी पहलवान पंडित। ईश्वर मेरी बेटी की रक्षा करना, ये शैतान उसको किसके हाथ सौंप के आया होगा। इसको तो मैं बाद में देख लूंगा, मैं जा रहा हूँ सपना को ढूंढने। अब अंधकार में अकेले कहाँ भटकोगे, मैं भी आता हूँ। तो आओ, तू उधर देख, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो सबसे पहले मैं इस विक्की की गर्दन तोड़ दूंगा इस मुखदर से। शादी से पहले ये सब ठीक नहीं। सपना कुछ नहीं होगा, मेरे मामा को पता चल गया तो हम दोनों की जान ले लेंगे। नहीं सपना, ये ठीक नहीं। अरे क्या ठीक नहीं है, किस जमाने में जी रही हो तुम? प्लीज कम ऑन सपना, प्लीज राजा इस तरफ। भगवान का शुक्र है ये अपनी सपना नहीं है। अरे विग है, हैप्पी मुझे पता था। अरे हवलदार, साइन हो के भाई छोड़ दो।
अच्छा एक बात बताओ, डांस से तुम तो क्यूट लगते हो और तुम्हारे दोनों भाई भी शक्ल से पागल नहीं लगते? हाय बीबी, पागलों जैसी हरकत क्यों की? ओ, हम अपनी पांजी को ढूंढ रहे थे, हमको कार पे शक था। क्या वो फिर से भाग गई? फिर से? वो फिर से क्यों भागेगी? तो फिर उसे ढूंढ क्यों रहे हो? इसने उसे किसी लड़के के साथ घूमने भेजा था। घूमने भेजा था लड़के के साथ? वेरी गुड वेरी गुड, अब तो वो कभी नहीं भागेगी। तू ध्यान से सुन ले, देख उस लड़के को बोल दे अगर उसने दोबारा मेरी पांजी से बात करने की कोशिश की तो चीर के रख दूंगा। इंस्पेक्टर, मैं अपनी जमानत वापस लेता हूँ, पुट देम बिहाइंड द बार्स अगेन, ऑल दिस चीर के रख दूंगा वायलेंस। प्लीज प्लीज पुलिस स्टेशन में खड़े होके चीर की बहुत मत कीजिए। ओए मेरी पांजी की जिंदगी का सवाल है, मैं कहीं भी चीर सकता हूँ। अरे देखो, अच्छा आप तीनों एक दिन अपनी भांजी को मेरे घर पे लाइए ना। क्यों? मेरा एक भांजा है, वो तीन बार भाग चुका है, दोनों मिलके भागेंगे। वेरी फनी स्टूपिड मैन। भाई साहब आपका डंडा। तुम दोनों की वजह से पंडित पहलवान अंदर हो गए और मुझे जमानत दिलवानी पड़ी। एंड दैट इंस्पेक्टर सो हॉरिबल। अब देखो, जब भी मिलना दिन को मिलना और होशियारी से मिलना। यू डोंट नो पहलवान ब्रदर इज सो खतरनाक एंड ही सो स्ट्रांग। आउट माय हैंड, यू आर आल्सो स्ट्रांग। चलो इससे ये तो पता चल गया कि पहलवान मामा अपनी भांजी से कितना प्यार करते हैं और यही प्यार हमारे प्यार को बहुत भारी पड़ने वाला है। है ना विकी मामा? मामा जी कुछ सोचिए ना। यू आल्सो सोच रहे हो। राजा, एयरपोर्ट। अरे एयरपोर्ट। ए हेलो, टाइम से उठती हो ना अभी? मामा जी आज कल उठाते हैं। मामा जी एयरपोर्ट। अरे अभी काहे का एयरपोर्ट, अभी तो रेस्टोरेंट है, ट्रेवल एजेंसी बंद पड़ गई ना, अब पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। लेकिन आप लोग अभी तक साथ ही हो। लेकिन ये क्रेडिट मुझे जाता है, आप लोग मेरी वजह से नजदीक आए हो। तुमको मिलवाया, हाउ स्वीट, ओ माय गॉड, मैं तुमको मिला था एयरपोर्ट पे। मामा आई, क्या मेरे लिए कुछ करो यार। नौकरी करेगा मेरे लिए? काहे की नौकरी? इसके मामा को पटाने की नौकरी। अरे तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो यो। अरे बातें ही करते रहोगे या ऑर्डर भी लोगे? हाँ ओ ये रहा पैड, ये रहा पेन। क्यों? ये मेरे मालिक। चलो लिखो, तीन नहीं नहीं चार सैंडविच, चार चाय। मैंने आपकी नौकरी छोड़ दी, अब मैं आपका ग्राहक हूँ, जरा तमीज से। अच्छा ये तो हो गया, लेकिन What about the other problem? PNP, पंडित एंड पहलवान, उनका क्या करेंगे? अब बताना उन्हें कैसे पटाएं? I think पंडित को तो पंडिताई से ही फंसाया जा सकता ना, you know, सिंह पूजा पाठ, भजन कीर्तन, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, नमस्कारम नमस्कारम नमस्कारम, भरतनाट्यम भरतनाट्यम भरतनाट्यम। राहुल मामा के साथ क्या कर रहा है? नाम क्या है आपका? राहुल। राहुल बड़ा गुणी नाम है। राहुल भाई आपकी शादी हुई है? जी नहीं। हाँ तो शादी के बारे में आपके क्या विचार हैं? श्रीमान अब शादी तो श्री राम ने भी की थी, हम तो तुच्छ मनुष्य हैं। वाह आपकी वाणी में कितनी मिठास है। देखिए अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको अपनी भांजी से मिलवाना चाहता हूँ, बड़ी गुणी और धार्मिक है वो। अब आपको ना करके आपका हृदय तो नहीं दुखाऊंगा मैं? बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं कल यहाँ पर मेरी भांजी को लेकर आता हूँ, ठीक है? जय श्री राम। जय श्री राम। प्रणाम पंडित जी। ए राजा। राहुल, अरे ये, अरे तू पंडित बन गया? अरे नहीं यार, ये जो पंडित गया है ना, हाँ इसकी भांजी मुझे पसंद है। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन साली बहुत तक नहीं देती है। क्यों? पता नहीं यार, अब इस मामा को बताऊंगा हाँ? और इसके थ्रू इसकी भांजी से शादी करूंगा। अरे तू बिल्कुल नहीं बना यार, चल कहीं चलते अपन। अरे अभी हाँ चलना, इन कपड़ों में तो क्या हुआ यार? अरे नहीं यार तू चल, मैं बाद में मिलूंगा। 6 बजे जोगेश पार्क। जोगेश पार्क लड़कियों को देखेंगे जॉगिंग। बेटी तू मुझे यहाँ समंदर किनारे क्यों लेकर आई? मामा जी हाँ? यहाँ कितनी शांति है, हाँ? यहाँ शांत मन से भगवान का ध्यान कर सकते हैं, है ना? वाह बेटी तेरे विचार कितने शुद्ध और पवित्र है। तू जानती है मैंने ऐसे ही एक शुद्ध और पवित्र विचार वाला लड़का ढूंढा है तेरे लिए। यार सुबह को धोती पंडित, ये तो क्या बोल रहा था यार? मामा भांजी क्या? अरे नहीं यार मैं तो उस पंडित को पटा रहा था, इसलिए क्योंकि उस पंडित की बड़ी खूबसूरत सी भांजी और वो मुझे बड़ी पसंद है यार। तो भांजी को पटाना यार? अरे उसी को तो पटाना चाह रहा हूँ, लेकिन वो मेरी तरफ देखती नहीं है। मैंने सोचा क्यों ना उसके पंडित मामा को पटाया जाए, वो बुढ़ो भी 1 महीने के बाद जाके पटाए, अब वो अपनी भांजी की शादी खुद मुझसे कराएगा, कल लेकर आ रहा है मिलाने के लिए। चलो अच्छा यार, शादी के बाद तो सुधर जाएगा, पूजा पाठ मंदिर ये वो। अच्छा पागल हो गया क्या? क्यों? अबे शादी के बाद थोड़ी मैं धोती कुर्ता पहन के घूमूंगा, अरे शादी करने के बाद उस टकले मामा को 1 लात मारूंगा। मामा जी काम तो हो गया ना? क्या हुआ? अपना भी काम हो गया, चलता हूँ। ओके मेरी शादी हो गया ना, बाय।
पंडित जी पाला को आप तो अपनी भांजी को कल लाने वाले थे आजी बैड बॉय चलो मामा जी रास रचे ब्रिज का गोपाल हो रास रचे ब्रिज का गोपाल मुरली मनोहर राधे का काना जमुना किनारे गयो नंदलाल रास रचे ब्रिज का गोपाल रास रचे ब्रिज का गोपाल वाह 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 इतनी कम उम्र में इतना ज्ञान ऐसी वाणी मैंने अपने जीवन में ऐसा पुरुष नहीं देखा माया प्रभु की माया महाराज आपका आशीर्वाद चाहिए आपके मन में एक प्रश्न है पूछिए महाराज गृहस्थ जीवन के बारे में आपके क्या विचार हैं गृहस्थ जीवन में हमारी पूरी निष्ठा है भगवान ने हमें इस धरती पर सारे कार्य पूरे करने के लिए भेजा है पूजा भजन कीर्तन शादी परिवार बच्चे सब जरूरी है हाँ, महाराज आपकी शादी हुई है अरे प्रभु आजकल की लड़कियों को अंग्रेजी बोलने वाले भद्दे वस्त्र पहनने वाले नाचने गाने वाले पुरुष पसंद है ऐसे ब्राह्मण से कौन शादी करेगा बताइए लेकिन हमारे लिए हमारी कुंडली में कन्या है पता नहीं कहाँ है आज तक हमें मिली नहीं यहीं पर है महाराज वो कन्या यहीं पर है और उसे आप जिसे वर की तलाश है आप एक काम कीजिए महाराज को रोक के रखिए मैं कन्या को लेकर आता हूँ आप जाइए गली महाराज मैं अभी आया भैया महाराज पूजा सफल हो गई महाराज की जय हो मामा फंस गया रे भैया बाबा अरे रे 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 इतना भाग भाग कर कहाँ जा रहे हो रुको जरा मैं रुक सकता हूँ इसे नहीं रोक सकता अरे कितनी बार कहा है कि इसब गोल खाया करो पेट साफ रहता है दुर्गंध सपना सपना क्या बात है मामा जी जोर से मत बोल अरे बेटी ईश्वर ने सही समय पर सही लड़का भेजा है तुम्हारे लिए क्या मतलब शुद्ध वाणी शुद्ध विचार शुद्ध मन अरे तू मिलेगी तो तेरा भी मन प्रसन्न हो जाएगा चल मिल ले लेकिन मामा जी मैं उससे मिलके क्या करूँगी शादी करेगी तू हाँ नहीं अपनी मामा की बात को टाल मत मामा की बात को मत टालना उससे मिल ले फिर निर्णय करना ठीक है मामा जी आप कहते तो मिल लेती ओके रुक रुक मैं देख लूँ बाहर वो नास्तिक जानवर भटक तो नहीं रहे ना आहिस्ता महाराज ये रही वो कन्या मेरी भांजी है अति सुंदर है हाँ इसके विचार भी बहुत सुंदर है अवश्य होंगे तुम महाराज से ज्ञान की बातें करो विचारों का आदान प्रदान करो बाद में लौट के मुझे बताना अवश्य महाराज मैं जाना चाहता हूँ आप चलिए अच्छा महाराज जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम महाराज जी आप तो धोती कुर्ते में तो बहुत कमाल लग रहे हो स्पर्श मत करो कन्या आपके मामा श्री कह के गए ज्ञान के बातों का आदान प्रदान करो मुझे तो सिर्फ प्रेम की ज्ञान की बातें बताइए दुनिया भाई बावरी पत्थर पूजन जाए घर की चक्की खोई न पूजे चाको पीसो खाए पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भैया न कोई ढाई आखड़ प्रेम का पढ़े सो पंडित होए हो जाए तेरा पल्लू सर का जाए रे बस तो फिर हो जाए ओहा, पार, ओहा, पार, ओहा, पार, ओहा,
जाए। के सपने देखे तेरे ने अगर है यही तमन्ना तो फिर हो जाए। ओहा ओहा तेरा पल्लू सर का जाए रे बस तो फिर हो जाए। ओ तेरा पल्लू सर का जाए रे बस तो फिर हो जाए। नारियल की तरह है, बाहर से हार्ड लेकिन अंदर से सॉफ्ट। और वैसे भी पहलवान को पहलवानी से ही जीता जा सकता है या फिर किसी नामी पहलवान को हराकर। मेरे मामा विक्की प्लीज विक्की, एक नामी पहलवान एक अनामी पहलवान से क्यों हारेगा, अपना नाम क्यों खराब करेगा? इसलिए क्योंकि नो यू कैरी ऑन पैक, क्योंकि रुस्तम प्रीडंका चिरकुंडा उसका नाम, वो मेरा दोस्त है और वो मेरे प्यार की खातिर बहुत पिटेगा। वो तुझसे क्यों हारेगा, प्रीडंका का नाम खराब करेगा? क्या बात करता है यार, बोला ना वो मेरा दोस्त है, तू देखो कितना पिटेगा मुझसे। अच्छा क्या नाम बताया? मुस्टुंडा चिरकुंडा 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 चिरकुंडा।
मामा जी ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत पावरफुल है। चलो देखते हैं। चकुला पुकला मत भी अगर तेरे कोंडा, ये तो तेरे मुंह चले पागल ये तो तेरे कोंडा, ये तो मुझे किसी सर्कस का जोकर लग रहा है। नहीं नहीं मामा जी, ये बहुत खतरनाक है, मैंने सुना है। बोल क्या रहा है, कौन जंगली पाशा बोल रहा है? मामा जी, उसके एक्सप्रेशन से लग रहा है कि वो ओपन चैलेंज दे रहा है। चिरकुंडा, चिरकुंडा, या चैलेंज। ओ मैं अभी मरम्मत करके आता हूँ। मामा जी, अगर आप हार जाओगे तो इससे मेरी शादी कराओगे और मुझे नहीं करनी। मामा जी हार जाऊंगा मैं? और तू देख अभी चित करके आता हूँ उसको, तू देख। मामा जी, ए हेलो, तुम लेट क्यों आए? देखो मामा जी गए ना लड़ने। अब हम क्या करें? अब क्या करना है, जो भी करना है मामा जी करेंगे। चिरकुंडा। पेजिंग डॉक्टर जोशी, प्लीज अटेंड टू द चिल्ड्रंस वार्ड। चिरकुंडे, तू मेरा कैसा दोस्त है? लानत है तेरी दोस्ती पर, तू एक 50 साल के बुड्ढे से हार गया। ए दल बदलू, मैं मार खा रहा था तू हंस रहा था। और मैं करता भी क्या? अरे इश्क में आशिक मार खाते हैं, यहाँ तो आशिक के दोस्त को मार खाना पड़ रहा है। तू मेरा दोस्त है ना? मैं तेरा ब्रदर हूँ। हेलो ब्रदर। नहीं हेलो ब्रदर मत बोल, तू मेरा दोस्त है। अगर तू मेरा दोस्त है तो उस मामा से बदले ले, उस मामा से बदले ले। नहीं नहीं चिरकुंडे, नहीं चिरकुंडा, मरवाएगा अस्पताल है, ऐसा मत कर। इस मामा की तो पुंगी बजानी पड़ेगी चिरकुंडे। पुंगी मत बजा, पिछली बार बजा चुका है वो, बरोबर नहीं बजी। पुंगी मत बजा, दूसरा कुछ कर, मामा का कुछ कर, पुंगी मत बजा, कुछ करना पड़ेगा। चलो ब्रदर। ओए कौन है भाई? हेलो पोलू, इधर उधर कौन? खुद को बहुत बड़ा पहलवान समझता है? ओए समझना क्या है, पहलवान हूँ। रुस्तम में प्रियंका को हरा कर अपने आप को रुस्तम में हिंद समझ रहा है? अरे हिम्मत है तो मुझसे तो लड़के दिखा। अबे फोन पे लड़ेगा? हिम्मत है तो अखाड़े में आ। समझ लो कि मैं अखाड़े से ही बात कर रहा हूँ। तो तू समझ ले मैं अखाड़े में खड़ा हूँ। आ जाओ मुन्ने, आ जाओ।
बस जित। ओए काका, अद्धी चड्डी पहन के कोई पहलवान नहीं बनता। उठ उठ जावा, आ जा। फोन पे बहुत धमकी देता था। क्यों आया स्वाद? उठ उठ उठ। काका अब दिखाता हूँ तेरे को तो भी पिछाड़। आ जा। काका बली मां बजावे टल्ली। ये था नमूना। लगता मैं फेल हो गया। नहीं टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे मामा के साथ सिर्फ खेल रहा था। मारो से? नहीं नहीं। देखो ये क्या हो गया? अरे तुम्हारे में चोट लगी। ओए ओए और क्या कर रहे काका? ओए ओ हो ओ हा ये मामा भी क्या? शादी मुबारक हो। मैंने तुमसे कहा था ना मैं तुम्हारे प्यार की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। कब कहा था? नहीं कहा था? नहीं तो अभी कह देता हूँ, मैं तुम्हारे प्यार की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। पहले मामा जी को तो उठाओ। सोने दो ना। नहीं जाओ। मिल गया लड़का, मिल गया। ओए काका दे बापू, बड़े पहलवान बन रहे सी, चित्त हो गए? चित्त जरूर हो गया पर मन में बहुत खुश हूँ। ओ क्यों? ओए मेरे को तेरे जैसे खूबसूरत लड़के की तलाश थी। ओए किस लिए? ओए कबरा आना यार, अपनी भांजी के लिए। ओए वो भी कुश्ती लड़ती है, बुला लो। ओ नहीं ओए, वो कुश्ती नहीं लड़ती, उसकी शादी करानी है। तो क्या तेरे साथ करानी है? लड़की तो दिखाओ पहले। ये देख तेरे बगल में खड़ी है। अच्छी है। अरे इससे भी तो पूछो मुझसे शादी करेगी। तू पूछ मुझसे शादी करोगी? कुछ नहीं बोली। ओए तू इतना बड़ा पहलवान है, ये इतने डौले बनाए हुए हैं, ये किस लिए है? जाके हाँ करवा, चित कर दे। चित कर दू? कर दे। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है? हाँ बिल्कुल है। रात को आऊंगा मैं, तुझे ले जाऊंगा मैं, फिल्म दिखाऊंगा मैं, सैर कराऊंगा मैं। रात को आऊंगा मैं, तुझे ले जाऊंगा मैं, फिल्म दिखाऊंगा मैं, सैर कराऊंगा मैं। चोरी से आना, चुपके से जाना, अच्छी नहीं दिल लगी। मुझसे शादी करोगी? मुझसे शादी करोगी? रात को आऊंगा मैं, तुझे ले जाऊंगा मैं, फिल्म दिखाऊंगा मैं, सैर कराऊंगा मैं। चोरी से आना, चुपके से जाना, अच्छी नहीं दिल लगी। मुझसे शादी करोगी? मुझसे शादी करोगी?
समझो फन है, मेरी तरफ से तो ये रिश्ता डन है, दुनिया की ये जोड़ी तो नंबर वन है। दुनिया घुमाऊंगा मैं, ऐश कराऊंगा मैं, डिस्को ले जाऊंगा मैं, डिनर कराऊंगा मैं। मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। कराऊंगा मैं, नारियल चढ़ाऊंगा मैं, चंदन लगाऊंगा मैं। मंदिर ले जाना, पूजा कराना, करना नहीं दिल लगी। मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। उत्तर शक्ल से तो लगता तू जट है, आशिक है आखिर तेरा अपना वट है। लस्सी पिलाऊंगा मैं, पेड़े खिलाऊंगा मैं, मालिश कराऊंगा मैं, कुश्ती दिखाऊंगा मैं। करके बहाना हमको बताना, अच्छी नहीं दिल लगी। मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। तुम दोनों को जानकर एक खुशी होगी कि मैंने सपना डार्लिंग के लिए एक लड़का पसंद कर लिया है। कौन है वो आवारा? होगा कोई उछल कूद करने वाला, कमर हिलाने वाला भैया, विदेशी बोलने वाला सिया। हाँ, मुझे तुम दोनों की जरा भी परवाह नहीं है, क्योंकि सपना डार्लिंग को भी वो लड़का पसंद है। क्यों सपना डार्लिंग? ये तो सपना बेटी तुम्हारा दिल रखने के लिए ऐसी बातें कर रही है, वरना वो तो मेरे पंडित को ही पसंद करती है, है ना बेटी? खामोश। सपना बेटी सिर्फ मेरे पहलवान से प्यार करती है और उसी से शादी करेगी। क्यों बेटी? ए, यहाँ तुम्हारी पहलवानी नहीं चलेगी। सपना डार्लिंग जो है वो सिर्फ राजा से ही शादी करेगी। सपना सिर्फ पंडित से ही शादी करेगी। क्यों बेटी? वो पहलवान से क्या? पंडित से शादी करेगी। पहलवान जिस तरह आप तीनों मामा मुझे पसंद है, उसी तरह मुझे आपके तीनों लड़के भी पसंद है। ओके? पर बेटी तू उन तीनों के साथ कैसे शादी करेगी? एक काम करते हैं, उन तीनों को भोजन पर बुलाते हैं, बाद में तय कर लेंगे कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन निकम्मा है। अच्छा तो राजा। अरे यार कुछ बोलोगी भी, हंसती रहोगी। तुम्हारे ड्रामे का क्लाइमैक्स आ गया है। मेरे तीनों मामा ने अपने चुने हुए तीनों लड़कों को, यानी कि तुम्हें, डिनर पे बुलाया है। Really? और मुझे उनमें से किसी एक को चुनना है। तो क्या तीनों कैसे आएंगे? तीन आएंगे ना, मैं आऊंगा, मेरी मम्मी आएंगी और मेरे डैडी आएंगे। हेलो ब्रदर, व्हाट हैपेंड टू योर पंडित? ओह, ही मस्ट हैव गॉन समवेयर फॉर कथा। एंड वेयर इज योर डिस्को डांसर? Oh, huh? Well, he must be shaking himself somewhere. What about your pehlwan? Where is he?
He must have gone to do some WWF. Time will tell. हुजूर मेहमान आ गए. मेरे पंडित जी आ गए. वाह. और मेरा पहलवान आया होगा. नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा कौन आया है. देखा, ये मेरे पंडित जी हैं. हाय स्वीटी. पंडित जी, ये धोती वोती छोड़कर सूट बूट में बड़े अच्छे लग रहे हैं आप. ओए पंडित नहीं, ये तो मेरा पहलवान काका है. मर जा गुड़ी डली खा के सोना लग रहा है. माय डियर पहलवान ब्रदर, ये वही मेरा पसंद किया हुआ लड़का है जो उस रात सपना के साथ घूमने मैंने भेजा था, उस रात जब तुमने गाड़ी तोड़ी थी और तुम जेल के अंदर हो गए थे. और मेरी मुलाकात राजा से तब हुई जब मैं भागकर यूरोप घूमने गई थी. वापस लौटते ही मैंने इन्हें विकी मामा से मिलवाया. और मेरी प्लानिंग पर आप लोगों को पटाने के लिए ये पहले पंडित और फिर पहलवान बना था. यू वर सो गुड एज पहलवान. उससे पहले ये हमारा बेटा है, उस रोज मैं इसी का रिश्ता लेकर आप लोगों के पास आया. इतना बड़ा धोखा. ओए, इसका मतलब तू पहलवान था नहीं, पहलवान बनने का नाटक कर रहा था. पंडित भी था नहीं, पंडित बनने का भी ढोंग किया है. धर्म और शास्त्र का अपमान किया इसने सिर्फ अपना प्यार पाने के लिए. और प्यार व्यार कुछ नहीं उभरा है, ये बदला ले रहा है तू, क्योंकि उस दिन हमने तेरे को धक्के मार के बाहर निकाल दिया था. हमें नीचा दिखाने के लिए आपने ये चाल चली है. और ये रंग बिरंगा तोहफा वापस कर नहीं तो चपेड़ मारूंगा. तू क्या समझता था हमारी आंखों में धूल झोंक के तू इसको ले जाएगा. मामा जी, मैं राजा से प्यार करती हूँ. सपना, आज इस लड़के का प्यार ही सब कुछ है तेरे लिए, हमारा प्यार कुछ भी नहीं. देखिए, हम मानते हैं कि हमारे बेटे से नादानी हुई है, लेकिन इसने सब कुछ अपने प्यार में मजबूर होकर किया. ये दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, इन्हें अलग मत कीजिएगा. और सपना बेटी भी हमें बहुत पसंद है. ओ ब्राय साहब, हमको आपका काका पसंद नहीं है. हमारी लड़की की शादी इसके साथ नहीं हो सकती. हमारा पीछा छोड़ो, मिट्टी पाओ. मामा जी, ये लोग रिश्ते के लिए आए हैं और आप इनसे इस तरह से बात कर रहे हैं. आप दोनों को रिश्ता पसंद नहीं होगा, लेकिन मुझे पसंद है. चलो राजा. सपना, मैं अमेरिकन हूँ. नहीं. फ्रेंच हूँ. जर्मन हूँ. नहीं. रशियन हूँ. तुम हिंदुस्तानी हो. फिर अगर तुम्हें ऐसे ले जाना होता तो कब का ले जा चुका होता. तुम बहुत खुश नसीब हो सपना. मेरे पास तो सिर्फ एक माँ बाप है, तुम्हारे पास तीन तीन माँ बाप हैं. तुम्हारे हर मामा में मुझे एक माँ और बाप दिखाई देते हैं जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं. पर जब तक ये शादी के लिए हाँ नहीं कहेंगे, मैं ये शादी नहीं करूंगा. थैंक यू. चलो ना. नो ब्रदर. रोक लो उन्हें, अभी भी वक्त है. रोक लो बेरामो, रोक लो उन्हें. तू इनसे मिला हुआ था, यही इनको गाइड कर रहा था. घर के बाहर तू उस लड़के से मिलकर अपने ही भाइयों को धोखा देता रहा. नॉनसेंस, मैंने सपना की अच्छे के लिए किया था. मर. ओए कुत्ते, तो क्या हम उसका बुरा चाहते हैं? हाँ हाँ, तुम लोग उसका भला नहीं बुरा चाहते हो. मारो. तुम चूड़ियां भाई हैं. हमने सपना के लिए क्या कुछ नहीं किया, हमारी जवानी तक न्योछावर कर दी. उसकी वजह से हमने शादी तक नहीं की. तुम लोगों ने शादी नहीं की? अरे आज तक तुम लोगों के लिए कोई रिश्ता आया है? जरा बाहर मोहल्ले में जाकर देखो, लोग कहते हैं इस बंगले में तीन तीन पागल रहते हैं और पागलों से कोई अपनी बेटी की शादी नहीं कराता. और आज तुम अपनी जिद और अपने पागलपन की वजह से सपना बेटी को अपनी तरह कुवारा बिठाना चाहते हो. मैं पूछता हूँ कि क्या बुराई है राजा में? वो अपने प्यार की खातिर तो ये सब कुछ कर रहा है. मैं तो कहता हूँ सपना बेटी को राजा से अच्छा लड़का नहीं मिल सकता. और सच्चाई है कि तुम सपना बेटी की शादी करना ही नहीं चाहते हो, क्योंकि तुम डरते हो कि कहीं सपना की शादी हो गई तो हमें छोड़कर चली जाएगी और हम अकेले रह जाएंगे. ओह गॉड, आई एम सो हर्ट. ओह जीसस, ये सब हमारा वजह से हुआ. ना हम आपको सपना बेबी के बारे में बताता, ना आप उसको बहू बनाने का सपना देखता, और ना ही राजा बाबा उसको लव करता, और ना ही ये दिन देखना पड़ता. कितने सारे अरमान थे हमारे. उफ, मातम फैमिली. अरे क्या हुआ, सिर्फ शादी टूटी है. लेकिन बेटे तो सपना से प्यार करता है. हाँ माँ, प्यार करता हूँ, लेकिन उससे कई ज्यादा प्यार आप दोनों से करता हूँ मैं. अरे बेटा, लेकिन डैड, उन्होंने आपकी एक बार नहीं दो बार बेइज्जती की है, जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है. जब तक वो तीनों आके आपसे माफी नहीं मांगे तो. ऐसा कभी नहीं हुआ. हाँ नहीं हो तो नहीं हो, मेरी शादी कहीं और करा दीजिए. आई विल बी हैप्पी. अरे आप लोग तो ऐसा बिहेव करो जैसे आपका बेटा मर गया हो. कैसी बात कर रहे हो?
आप मेरी शादी कहीं और करा दो बस। अच्छा 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 बेटे, रो रहे हो आप लोग, खबर रो रहे हो क्यों? मेरे तेरे दुश्मन। बोलू प्रभु, विक्की। दादाजी, दादाजी घबरा मत मेरी बच्ची, मैं आ गया हूँ, मुझे सब पता चल गया है। बाबूजी पैरी पहन दे। तुम लोग एक बात भूल गए कि मैंने तुम्हें रखवाली के लिए एक फूल दिया था। तुम माली हो, मालिक नहीं। मुझसे पूछे बगैर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती के लिए लड़का ढूंढने की? बाबूजी हमने लड़का ढूंढा जरूर था, पर वो तो गलत निकला। हमारे साथ विश्वासघात हुआ है बाबूजी, सही आदमी की पहचान नहीं है हमें। मैंने ढूंढाया सपना के लिए लड़का, और मैं जानता हूँ कि उससे अच्छा लड़का मिल ही नहीं सकता। सपना की शादी मैं उसी से करवाऊंगा, इसलिए मैं इसे अभी लेकर जा रहा हूँ। आप ठीक कह रहे हैं डैडी, आज तक सपना डार्लिंग हमारी मर्जी की जिंदगी जीती आई, अपनी मर्जी की जिंदगी तो उसने जी ही नहीं। ले जाइए इसे डैडी, जाएगी तो आजादी की सांस तो ले सकेगी, ले जाइए। मामा जी आप लोगों ने कभी मुझे घर से बाहर नहीं जाने दिया, पर आज एक पल में कह दिया कि ले जाइए। भैया सुनो, इसकी शादी की खबर मैं दे दूंगा, तुम लोग आशीर्वाद देने के लिए आ जाना। चलो बेटी आओ चले। नहीं, अपना डाली। जब सपना इस कार में थी ये कार बोलता था, अब तो जैसे हाथ में ही नहीं है। पता नहीं डैडी सपना की शादी कहाँ कर देंगे, राजा से ज्यादा प्यार करने वाला सपना को कोई लड़का मिल ही नहीं सकता, देखना तुम दोनों पछताओगे। अरे ये बात तेरे को कल मुझे समझानी चाहिए थी। कल तो मेरी बात तुम सुनी नहीं थे, तुम तो मुझे मारने दौड़े थे। अरे मैं तो पहलवान हूँ, मोटी बुद्धि है। पहलवान तुम अगर मेरी तरह भी सोचना चाहिए था ना। नहीं तो क्या सोचा था, तूने कहा, तुमने मुझे एक बार भी कहा, तुमने बस फिर से झगड़ा शुरू कर दिया। एक काम करते हैं, हम राजा के घर चलते हैं। इतनी बेइज्जती के बाद हमें घर में घुसने देगा क्या वो? अरे जिस जुबान से गाली दी है उसी जुबान से माफी मांग लेंगे उससे। हाँ, जिन हाथों से उसे दरवाजा दिखाया था उन्हीं हाथों से उसके पैर पकड़ लेंगे। हाँ, हाँ, चलो चलो बहन, नहीं सॉरी, चलो भैया। अरे ये तो कोई शादी हो रही है लगता है। नहीं पागल हो गया क्या? ओ ब्रो साहब से मिलने आए हम, चलो जहाँ बाजा बजा मटकना शुरू कर देता है। ओब्राय साहब, जनाब ओब्राय साहब जी, आइए गांधी जी की तीन मंदिरों। हाँ जी, हाथ दीजिए। मगर आप लोगों का मतलब सब उल्टा है, किसी के बिल्कुल मत सुनो, अंधे बनकर जियो, और किसी को सच बोलने मत दो। हमसे गलती होगी जी, हमको माफ कर दो। ये दोनों मेरे भाई पीएनपी पंडित और पहलवान अपनी गलती पर शर्मिंदा है। लगता तो नहीं है। देखिए हम हमारी भांजी की शादी आपके बेटे राजा के साथ कराने के लिए तैयार हैं। आप तैयार हैं? हाँ। वाह, बोल तो ऐसे नहीं जैसे किसी बहुत बड़ी रियासत के महाराजा हैं। मगर अब हम तैयार नहीं है। क्यों जी? इसलिए कि आज मेरे बेटे की शादी है। ओह माय गॉड, मैंने कहा था ना कि मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। लेकिन आप ये शादी नहीं कर सकते। तुम कौन होते हो मुझे शादी से रोकने वाले? अपनी भांजी की शादी करते नहीं हो और मेरे बेटे की शादी रोकने आए हो? आपका बेटा हमारी भांजी से प्यार करता है। अच्छा जी, आज समझ में आया, प्यार तो पहले भी करता था। देखिए आज खुशी का दिन है, आज मेरे बेटे की शादी है, मेरा दिमाग खराब मत कीजिए। और मैं आप लोगों की तरह बदतमीज भी नहीं हूँ कि घर आए मेहमान से कहूँ कि वो रहा दरवाजा, गेट आउट। समझ गए? तुम आ जाइए, कुछ खा पी लीजिए, आशीर्वाद दीजिए, और उसके बाद आराम से निकल जाइए। समझ गए? मैरी, मैरी। अरे साहब आप लोग, राजा बाबा का मैरिज में आया, अपना सपना बेबी कैसा है? तुम तो जानती हो मैरी, सपना राजा से कितनी मोहब्बत करती है। और सपना डार्लिंग की शादी राजा से ही होनी चाहिए ना। अपने मालिक से कहो कि शादी रोक दे वरना अशुभ हो जाएगा। तुम तीनों लोग कम्प्लीटली मैड है, मेरे को घर से निकाला मैं बर्दाश्त किया, लेकिन ओबेरॉय साहब को भी घर से निकाला वो कैसा बर्दाश्त करेगा? अब जो तुम हमसे बोलता ना, हम ये घर से भी निकाला जाएगा। हमको माफ करो बाबा, हम जाता हूँ। Come on.
चलिए बाहर चलिए। हमारी सपना डार्लिंग की जिंदगी बचा लीजिए प्लीज। भाभी जी आप एक ही है जो उनका जीवन संवार सकती है प्लीज। बहन जी ओबेरॉय भाई साहब आप ही की बात मानेंगे, आप उन्हें समझाइए और ये शादी रोक दीजिए। सपना डार्लिंग की शादी राजा से करा दीजिए प्लीज। देखिए देखिए हम ओबेरॉय साहब से माफी मांग चुके हैं, आपसे भी मांगते हैं बहन जी। नहीं वो क्या है कि फैसला मेरा तो नहीं उनका है, और उनका फैसला तो बदला नहीं जा सकता। आप बदल सकते हैं। लड़कियाँ चलो चलो दुल्हन को लाएंगे चलो। हाँ जी जरा पहले राजा हाँ राजा 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 हम आ गए। हम आ गए क्यों आए? मेरे दोनों ब्रदर शादी के लिए मान गए। अब आप इस विवाह से इनकार कर दो। हाँ। और सपना से शादी कर लो। हाँ। आपका दिमाग खराब है? शादी में आकर शादी रोकने की बात कर रहे हो? पता नहीं कैसे पटक पटक के मारा था इसने। चिरकुंडा भाई हम लोग बाद में बैठ के बात कर लेते हैं। आपने एक बार नहीं दो बार मेरी डैडी की इंसल्ट की। मैं 200 बार माफी मांगने के लिए तैयार हूँ जी। बल्कि हम उनसे माफी मांग चुके हैं, हम भाभी जी से भी माफी मांग चुके हैं, फिर भी आप नहीं माने तो इन दोनों को गोली मार के मैं आत्महत्या कर लूंगा। राजा सपना और तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, कैसे रह सकोगे एक दूसरे के बगैर? आप ये चाहते हैं कि मैं इस लड़की से शादी तोड़कर सपना से शादी कर लूं, फिर इस लड़की का क्या होगा? देखो राजा हम सपना के सिर्फ मामा ही नहीं, उसकी माँ भी है उसके बाप भी है। हमसे गलती हो गई हमें माफ कर दो, पैर पड़ो ना तुम्हारे पास होते होते हो गया